अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लॉ गेट की तैयारी करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली एमसीक्यूज हमें इस वीडियो के अंदर अंदर ही याद हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहला है, हु वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? तो वो है कायदे आज़म। तो देखें, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हो रही है कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है कायदे आज़म। कायदे आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। इन चीज़ों का डिफरेंस रखे है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की हुई है, एमसीक्यूज पहले आपको गौर से रीड करना होता है हमेशा। वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो 11 अगस्त को 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो उसके अंदर जो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग था उसको अप्रूव किया गया था। सही है। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिस पाकिस्तान गॉट इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने सालों के बाद पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था? वो 9 ईयर्स के बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, आफ्टर 1947 1956। सही। देन व्हाट डॉक्यूमेंट वॉज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? तो वो सबसे पहला कौन सा डॉक्यूमेंट था? वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मोस्टली क्या आता है, उसकी डेट आती है। तो डेट आपको हमेशा बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, देखें ये लैट के जीके में आ सकता है, इवन के पाकिस्तानी पोर्शन में भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से मैं ये नहीं कहूँगी कि, क्योंकि पास्ट पेपर में से भी इसमें से बहुत से आए हुए हैं, और ये है कि आप इसको इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट देखें। मे भी ये नहीं है कि पास से ही आए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेसिक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि ये अगर इसमें से आगे पीछे से कहीं से भी आ जाए तो ये आप उसको कर लें। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, सबको ईयर तो पता होता है कि भाई 1949 ईयर है, बट उसकी डेट भी याद रखनी है। मार्च, कभी वो आपसे मंथ भी पूछ सकते हैं कि भाई मार्च माई फेब में जून में 1949 के, तो आपने ये बताना है कि भाई ये 12 मार्च को याद रखिएगा। 23 मार्च से आप याद रखें उसका, कि मार्च 23 मार्च से थोड़ा नीचे आए तो 12 मार्च, थोड़ा जहन में इसी तरह कोई आप अपनी क्या कह लें, लॉजिक बना लें, ताकि आपके जहन में ये आ जाए। देन के मोहम्मद अली बोगरा जो हैं, प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली, तो वो उन्होंने कब प्रेजेंट किया था? तो वो अक्टूबर 1953 में किया था। और ये नेक्स्ट है इसी का, कि हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? उसको क्या नाम दिया गया, जो उन्होंने फार्मूला दिया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूले का नाम दिया गया। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स? तो ये मैंने अभी भी कहा कि आप डेट को भी अच्छे से देख लें, देखिए हमें ईयर्स अच्छे से क्या, बस ये वाले 1962 1956 1949 1973, ये हमें याद ही रहेंगे, बट इसकी डेट और मंथ का असल चक्कर होता है। तो यहाँ पे आप अब देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का पहला आया, उसको सिंपल जो 23 मार्च करारदाद मंजूर हुई, उसी दिन डेट 23 मार्च है। सही है। तो अब ये आपको ईयर भूलना नहीं है। और इसी तरह आपको जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो वो भी इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि वो अगस्त में 14 अगस्त को ही आया। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखिए, ये करारदाद वाले दिन आया, वो इंडिपेंडेंट डे, तो दो याद हो गए आपको। कौन सा रह गया? सिर्फ 1962 का रह गया। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले ही बात नहीं की है उन्होंने, पूछा जब इन्फोर्समेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, तो कौन था प्राइम मिनिस्टर? तो वो था चौधरी
मोहम्मद अली। सो नेक्स्ट है, हु व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान का क्या नाम दिया गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1973 में भी पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही है ऑफिशियल नेम। नेक्स्ट है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट की एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम कह सकते हैं कि ये मिनिमम प्रिस्क्राइब किया है, तो वो इससे अबव हो सकती है, तो मिनिमम आपकी 40 इयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ही मे बी अ मुस्लिम। तो यहाँ पे ये बात है कि मुस्लिम हो, सही है, यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू या क्रिश्चियन ना हो, सही है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी डिक्लेयर की गई, डिक्लेयर मतलब किस में उसका ऐलान होता है, बट ये कि कौन सी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल करार दिया गया, तो वो है ए और बी, यानी कि उर्दू और बंगाली। उस टाइम बांग्लादेश अलग नहीं हुआ, इस वजह से उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया बंगाली को भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन को कब ख़त्म किया गया, तो वो है किसके दौर में, किसने किया, तो वो है सिकंदर मिर्ज़ा। व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम, तो वो ईयर कौन सा था, तो अक्टूबर 1958, अक्टूबर 1958, यानी कि 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसी के अक्टूबर 1958 को उन्होंने एब्रोगेट कर दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को और मार्शल लॉ लग गया। नेक्स्ट है, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। देखें अब आ गए, अब हमें कौन सा ईयर याद रखना था, सिर्फ वो हमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी डेट किसकी याद रखनी थी, डेट और मंथ, वो है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है 8 जून 1962। देखें जून और 8 जून। नेक्स्ट है, What which kind of system of government was introduced by the 1962 constitution? देखें इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा government system आया, तो वो था presidential। Next है, when the constitution of 1962 was abrogated? अब देखें इसका क्या आया कि 20 मार्च 1969 में ये एब्रोगेट हो गया। अब 1962 से 1969 की मार्च में हो गया। अब कहीं पे इसकी डेट आती है 25 मार्च, कहीं पे आती है 20 मार्च, तो मे बी के 25 मार्च हो, इसको आप अच्छे से देखना चाहें तो और भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब ये याद रखें, आप ये ईयर भी गिनते जाएं कि 1962 से 1969 कितने साल हो गए, ये भी आ सकता है कि कितने साल चला। नेक्स्ट है, हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम CMLA, तो वो जनरल याह्या खान ने उसको 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया और CMLA बन गए। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट MCQ और MCQs के साथ मिलेंगे, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।